नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग पीपल के वृक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि पीपल के वृक्ष में किस समय किसका वास होता है, जो कि हम सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वास होता है। फिर 7 बजे से 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास माना जाता है। उसके बाद सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास हो जाता है। इसीलिए श्राद्धों में भी ब्राह्मणों को अक्सर 10:30 से 11:30 के बीच सुबह भोजन कराया जाता है। उसके बाद सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास हो जाता है। आहूत उन लोगों को कहा जाता है जो लोग जन्म लेने से पहले ही गर्भ में ही शांत हो जाते हैं, जो लोग कुवारी अवस्था में शांत हो जाते हैं, या जिनका जन्म लेने के बाद विवाह नहीं हो पाता और वो लोग शांत हो जाते हैं, इन लोगों को आहूत कहा जाता है। इन आहूतों का वास पीपल के वृक्ष में दोपहर के 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद पीपल के वृक्ष में प्रेतों का वास हो जाता है। दोपहर के 1:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में भूत प्रेतों का वास रहता है। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वास हो जाता है। शाम के समय पीपल के वृक्ष पर शंकर जी का वास होता है, इसीलिए शाम के वक्त पीपल के वृक्ष की परिक्रमा नहीं की जाती। फिर उसके बाद शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पीपल के वृक्ष पर कुबेर जी का वास हो जाता है। फिर 9 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में भूत प्रेतों का वास हो जाता है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं और सभी नवग्रहों का वास भी माना जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन सुबह 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक पीपल के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन जो भी मनुष्य इस समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाता है, कच्चा दूध चढ़ाता है और घी या सरसों के तेल का दीपक लगाता है, उसके जीवन में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता, उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहती है। जो भी मनुष्य अमावस्या के दिन सुबह के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाता है, कच्चा दूध अर्पित करता है और सरसों के तेल का दीपक जलाता है, उसके परिवार में कभी भी किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह उपाय अकाल मृत्यु को हर लेता है। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इस दिन पीपल के वृक्ष पर अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जीवन का हर संकट समाप्त हो जाता है। जीवन में चाहे किसी भी तरह का संकट हो, वो अवश्य दूर हो जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने के साथ ही अपने कर्म भी अवश्य अच्छे रखें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस ज्ञान को सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।